नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रोशी सतीजा और आज हम बात करेंगे हाउ मच टाइम डज एन IVF प्रोसीजर टेक। तो जब आप इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बेस्ड ऑन कि आपकी इनफर्टिलिटी की ड्यूरेशन क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपकी पूरी हिस्ट्री के अनुसार आपको सलाह देते हैं। और अगर आपको वो IVF कराने की सलाह देते हैं तो आपके वज़न, एज, आपकी जो ओवरी है उसमें कितने अंडे हैं, इसके अनुसार डॉक्टर आपके लिए प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं कि आपके लिए कौन सा प्रोटोकॉल बेहतर रहेगा जिससे आपका IVF सक्सेस और अच्छा हो। तो अगर आपके लिए प्रोटोकॉल डिसाइड हो जाता है फिर आपको इंजेक्शंस या दवाइयाँ शुरू होते हैं। यह दवाइयाँ 10 से 12 दिन के लिए दिए जाती हैं। जब आपके फॉलिकल्स बड़े ग्रो हो जाते हैं, अल्ट्रासाउंड से इसकी मॉनिटरिंग को देखा जाता है, और जब यह बड़े 18 या 17 mm के अबव होते हैं तब डॉक्टर आपको ओव्यूलेशन ट्रिगर दी जाती है, यानी कि आपको ट्रिगर इंजेक्शन लगाया जाता है। और इसके लगभग 35 घंटे बाद आपको बुलाया जाता है फास्टिंग के साथ, और आपका अल्ट्रासाउंड करके बेहोशी के साथ अंडों को निकाला जाता है। इन अंडों को निकालने के बाद आपके हस्बैंड के स्पर्म के साथ इनको मिलाया जाता है जहां एम्ब्रियो की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। अब बेस्ड ऑन योर प्रोटोकॉल, अगर यह है कि आपको फ्रेश ट्रांसफ़र की एडवाइस दी गई है, यानी कि एक ही साइकिल में अगर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है तो लगभग यह जो IVF की प्रोसीजर है यह लगभग 15 से 20 दिन के अंदर आपका ख़त्म हो जाता है। पर अगर आपके लिए फ्रोज़न प्रोटोकॉल होता है, यानी कि आपके भ्रूण को या एम्ब्रियो को बनाकर फ्रिज में रखा जाता है और फिर आपकी बॉडी को नॉर्मलाइज करके फिर एम्ब्रियो डालने की सलाह दी जाती है, तो लगभग 6 to 8 वीक्स आपके IVF प्रोसीजर में लग सकते हैं। एक बार जब एम्ब्रियो आपके बच्चेदानी में डाला जाता है, या फिर वह फ्रेश साइकिल हो या फिर फ्रोज़न, उसके 14 डेज़ के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट या बीटा HCG टेस्ट के लिए बुलाया जाता है जिससे आपकी प्रेगनेंसी है या नहीं पता चल पाता है। तो यह जो पूरा IVF प्रोसीजर है यह लगभग 6 to 8 वीक्स का होता है। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।